आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7, ठीक है, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो लास्ट लेक्चर में हमने 6.3 को कंप्लीट किया था, तो आज हमारा चैप्टर है 7, डिफरेंशिएशन। देखो बेटा, सबसे पहली ये बात आती है कि डिफरेंशिएशन किस लिए यूज किया जाता है। देखो बेटा, डिफरेंशिएशन का यूज किया जाता है रेट ऑफ चेंज के लिए। इसका यूज किया जाता है रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन का जो यूज किया जाता है बेटा, यूज किया जाता है रेट ऑफ चेंज के लिए, ठीक। जैसे मान लो कोई हमारी शेयर मार्केट है बेटा, आपने देखा होगा कभी अप होते हैं कभी डाउन होते हैं। कोई शेयर हमने कि मान लो 120 में परचेस किया और उसकी वैल्यू 140 हो गई, तो इसका मतलब जो शेयर मार्केट है उसके हिसाब से हमारा जो शेयर था वो इंक्रीज हो गया। और मान लो वही शेयर 100 रुपीज़ का हो जाता तो इसका डाउन होता, तो शेयर मार्केट के अंदर जो रेट ऑफ चेंज होता है वो किसकी वजह से, डिफरेंशिएशन की वजह से होता है। या मैं ये भी कह सकता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, डिफरेंशिएशन का जो यूज किया जाता है वो रेट ऑफ चेंज के लिए किया जाता है, ठीक है। अब बेटा देखो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन आया कैसे, इसको इसकी नोटेशन क्या थी वो कैसे है, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो, हमने पहले डेरिवेबल चेकआउट किया था एट ए पॉइंट ए के ऊपर, तो मैंने उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको कि एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एक्स वाई से। इसी के बेस पे हमने LHL और RHL को निकाला था, और हमने ये देखा था कि अगर हमारा LHD इक्वल टू RHD है तो हम कहते थे कि हमारा फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है या नहीं है। तो आज मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंशिएशन जो होता है बेटा उसको DDX से डिनोट किया जाता है। अब देखो, डिफरेंशिएशन में आया कैसे वो देखते हैं। देखो, इसका प्रूफ क्या है, लेट वाई इक्वल टू FX बी एनी फंक्शन। y इक्वल टू FX मैंने कोई एक फंक्शन मान लिया बेटा, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे लेट डेल्टा y एंड डेल्टा x बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन y एंड x रिस्पेक्टिवली। मैंने मान लिया कि डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स भी स्मॉल इंक्रीमेंट इन वाई एंड एक्स रिस्पेक्टिवली। मैंने वाई में तो डेल्टा वाई का इंक्रीमेंट कर दिया और एक्स में डेल्टा एक्स का इंक्रीमेंट कर दिया। इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहां क्या बन गया, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स। वाई से मेरा y कैंसिल आउट, यहां बन गया डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x एंड टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। तो देखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन में डेल एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स, और यहां लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना, ये मेरा पोर्शन बन गया डी वाई बाय डी एक्स। देखो, मैं आपको एक बात और बता दूं, इसको हम dy by dx भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x अपॉन में डेल्टा x। देखो, इसको आप एफ डैश एक्स भी बोल सकते हो, और इसको हम ये भी कह सकते हैं वाई वन या वाई डैश तो हो गया, वाई वन भी लिख सकते हैं हम, तो आपकी मर्जी है, चाहे इसको वाई वन बोल दो, चाहे एफ डैश एक्स बोल लो, चाहे डी वाई बाय डी एक्स भी कह सकते हो, वाई वन कह दो, चाहे एफ डैश एक्स कह दो, चाहे डी वाई बाय डी एक्स कह दो। तो ये जो पोर्शन है इसका नाम क्या बन गया, डिफरेंशिएशन। देखो, इसके अंदर जो मेरा x है ना, वो देखो y और x dy by dx,
तो y जो है वो डिपेंडेंट है, x जो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, क्योंकि y फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो जिसके रिस्पेक्ट में किया जाता है वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जिस फंक्शन का किया जाता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका मतलब बेटा dy / dx या f डैश x या y1, इसको बोलते हैं बेटा हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। बेटा इस मेथड का नाम है, देखो इसका इस मेथड का जो नाम है इसको हम बोल देते हैं डेल्टा मेथड भी बोल देते हैं, डेल्टा मेथड और या फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड भी बोल देते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड और या ए बी इनिशियो मेथड भी बोल देते हैं, ए बी इनिशियो मेथड, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड या डेल्टा मेथड और ए बी इनिशियो मेथड भी बोलते हैं। तो ये होता है बेटा हमारा डिफरेंशिएशन, ये हमारा ऐसे डिस्क्राइब हो गया था कि dy / dx बना कैसे था, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ फॉर्मूलों के बारे में, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। तो बेटा इसके अंदर जो फॉर्मूले हैं उनको आपको लर्न जरूर करना है, ठीक है। देखो वो मैं आपको बताता हूं, देखो सबसे पहले d by y dx इक्वल टू x की पावर n, देखो x की पावर n, x वेरिएबल है n उसकी पावर है, अगर n इज एनी कांस्टेंट। तो देखो हम डेरिवेटिव कर रहे हैं इसकी पावर n का विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे जो इसकी पावर है उसको हम आगे उतार लेंगे और इसकी एक पावर कम कर दी जाएगी, ठीक है। सेकंड देखो जैसे मान लो एग्जांपल ही ले लेता हूं इसका d by dx x की पावर 3, तो पावर 3 है 3 आगे उतारेंगे, एक पावर कम 3 में से बन गए 2, तो वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर। अच्छा अब हम बात करते हैं मान लो d by dx x का, अब इसकी पावर 1 है कहने का मतलब तो 1 आगे उतरी, मान लो इसकी पावर 1 है x की पावर 1, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स की पावर 0, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब d by dx क्या हो गया x की पावर 1 का 1 हो गया, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव, सॉरी x की पावर 1 तो उसका डेरिवेटिव हो गया 1। अच्छा अब हम बात करते हैं d by dx 1 by x की, तो देखो 1 by x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 by x स्क्वायर। देखो कैसे हुआ, मैं 1 by देखो d by dx 1 by x इसका हुआ कैसे, देखो मैं इसको लिख सकता हूं d by dx x की पावर माइनस 1, तो पावर को आगे उतारा मैंने एक पावर कम कर दी, तो ये हो गया माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2, किसी की पावर नेगेटिव है और नीचे आएगी तो पावर क्या बन जाएगी पॉजिटिव, तो वैल्यू आ गई माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब हम बात करते हैं d बाय डी एक्स रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 बाय 2 रूट एक्स। ये भी कैसे हुआ, देखो मान लो हमारे पास d बाय डी एक्स है रूट एक्स, तो मैं इसको ले सकता हूं d बाय डी एक्स एक्स की पावर 1 बाय 2, तो पावर 1 बाय 2 आ गए एक पावर कम 1 बाय 2 माइनस 1, तो ये बन गया 1 बाय 2 एक्स की पावर माइनस 1 बाय 2, तो माइनस 1 बाय 2 को जैसे ही नीचे लाएंगे प्लस की 1 बाय 2 और 1 बाय 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट एक्स। तो इसका मतलब रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो आएगा 1 बाय 2 रूट एक्स, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, देखो d by dx कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो जाए एनी कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव आएगा जीरो। एग्जांपल मान लो d by dx मान लो मैंने लिख लिया 5, तो इसका डेरिवेटिव जीरो, क्योंकि इसके पास x की टर्म है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव हो गया जीरो, ठीक है। देखो बेटा x की पावर n का हो गया, n पावर आगे एक पावर कम कर देंगे, x का 1 हो गया 1 बाय x का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का हो गया 1 बाय 2 रूट एक्स। अच्छा d by dx मान लो ax का, a इज एनी कांस्टेंट, तो वैल्यू आ गई a, जैसे मान लो d by dx कोई कहता है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव हो गया 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, तो 2 into 1 2, ये हो गया मेरे पास डेरिवेटिव ऑफ 2x का। अच्छा उसके बाद हम चलते हैं d by dx, ठीक है d by dx ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तरफ, t by dx sin x, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा कोस एक्स, उसके बाद डी बाई डी एक्स कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, उसके बाद डी बाई डी एक्स
10x का, 10x का डेरिवेटिव होता है सिकेंट स्केयर एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स कोट एक्स का, कोट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे चलते हैं। देखो डी बाई डी एक्स सिकेंट एक्स, डी बाई डी एक्स सिकेंट एक्स का, तो सिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा सिकेंट एक्स इंटू टेन एक्स। फिर बात चलती है हमारी डी बाई डी एक्स कोसिकेंट एक्स पे, अब कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, जिस भी फंक्शन के पास सी है उसका डेरिवेटिव माइनस के साथ बाहर आएगा। देखो कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कोट एक्स, कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अब आगे। देखो उसके बाद हम करते हैं इसके इनवर्स फंक्शन के ऊपर बात, डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होगा वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम बात चलती है डी बाई डी एक्स कोस इनवर्स एक्स, इसकी बात आएगी माइनस वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स की, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो साइन इनवर्स एक्स का होएगा वन बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स में सिर्फ माइनस का फर्क पड़ेगा बाकी सेम। डी बाई डी एक्स, अब हम बात करें कोट इनवर्स एक्स पे, कोट इनवर्स एक्स का भी क्या आएगा माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, जो टेन इनवर्स एक्स का था वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स एक्स में सिर्फ माइनस एड हो जाएगा आगे। डी बाई डी एक्स सिकेंट इनवर्स एक्स वन बाय एक्स रूट वन माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। उसके बाद बात करते हैं हम कोसिकेंट इनवर्स एक्स के ऊपर। देखो कोसिकेंट इनवर्स एक्स का भी क्या रहेगा, सिर्फ आगे माइनस लग जाएगा जो सिकेंट इनवर्स एक्स का है। डी बाई डी एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स माइनस वन बाय एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये होता है डी बाई डी एक्स कोसिकेंट इनवर्स एक्स का। अच्छा उसके बाद हम चलते हैं डी बाई डी एक्स। देखो मान लो मेरे पास है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन बाय एक्स, जितना इसका एंगल होगा वो वन अपॉन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स, वेयर ए इज एनी कॉन्स्टेंट एंड ए नॉट इक्वल टू वन और ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो ए की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव आएगा वो आ जाएगा ए की पावर एक्स इंटू लोगे। ठीक है, एग्जाम्पल में मान लो मैं आपको देता हूं डी बाई डी एक्स टू की पावर एक्स, तो इसका डेरिवेटिव आएगा टू की पावर एक्स इंटू लोग टू। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव e की पावर x। ठीक है, अगर हम बात करते हैं d बाई डी एक्स e की पावर ए एक्स का, तो e की पावर ए एक्स का e की पावर ए एक्स और ए एक्स का a, जितना x का कोफिशियंट होएगा वो हमारे पास आगे आ जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव होगा a इंटू e की पावर ए एक्स। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं आगे। देखो अच्छा उसके बाद चलते हैं, देखो डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स, तो इसका डेरिवेटिव रहेगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स। डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस ए एक्स, तो इसका डेरिवेटिव रहेगा माइनस ए ई की पावर माइनस ए एक्स। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एक्स, एक्स इज ऑल्सो वेरिएबल, उसकी पावर फिर से वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव रहेगा एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट वन प्लस लॉग एक्स। बट इसका प्रूफ आ गया है वो मैं आपको बता दूंगा कि इसका प्रूफ कैसे किया था, एक्स की पावर एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स। तो ये हो गया बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी हो गया, लॉगरिथमिक का भी हो गया, ए की पावर
x का भी हो गया और x की पावर x का भी हो गया, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं, देखो एक बार इसको बेटा मैं इरेज कर देता हूं, वो मैं आपको थोड़ा और अच्छे से बता दूंगा। अब बात आती है बेटा देखो हमारी प्रोडक्ट रूल पे, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल कहते हैं मान लो d बाई डी एक्स u इंटू वी, कोई भी दो फंक्शन है मान लो x इंटू साइन एक्स है, साइन इंटू वी की पावर x है, log x इंटू वी की पावर x है, या log x इंटू साइन एक्स है, अगर कोई भी दो फंक्शन है तो हमको उनका जो डेरिवेटिव करना है उनकी प्रोडक्ट हो तो कैसे करना है, देखो ध्यान से, u एज इट इज या फर्स्ट फंक्शन एज इट इज भी कह सकते हो, d बाई डी एक्स v का बीच में प्लस v एज इट इज d बाई डी एक्स u का, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v एज इट इज d बाई डी एक्स u का, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखो अगर तीन फंक्शन हमारे पास हो जाए d बाई डी एक्स u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो तीन फंक्शन में कैसे करेंगे, देखो u इंटू वी एज इट इज d बाई डी एक्स w का प्लस u इंटू डब्ल्यू एज इट इज d बाई डी एक्स v का प्लस v इंटू डब्ल्यू एज इट इज d बाई डी एक्स u का। तो अगर हमारे पास तीन फंक्शन होंगे तो हमने कहना फर्स्ट टू फंक्शन एज इट इज, थर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एंड थर्ड एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, वो आपकी चॉइस है बेटा, वन बाय वन हमने तीनों का डेरिवेटिव कर दिया है। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये तो था बेटा प्रोडक्ट रूल, अब इसके बाद मैं बात करता हूं आपकी कोशेंट रूल के ऊपर। अब हमारी बात आती है कोशेंट रूल, कोशेंट रूल, देखो कोशेंट रूल, कोशेंट मतलब डिवीजन। अब देखो अगर हमारे को बोला गया है d बाई डी एक्स यू बाई वी, दो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव करना है, अगर u अपॉन मान लो x अपॉन साइन x है या साइन स्केयर x अपॉन में 1 प्लस x प्लस 2 एक्स स्केयर है, तो हमने उसका डेरिवेटिव कैसे करना है, देखो नीचे वाले फंक्शन का होल स्केयर, नीचे वाले फंक्शन का होल स्केयर, फिर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स यू का, बीच में माइनस u एज इट इज d बाई डी एक्स वी का। पर देखो प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस आता है, कोशेंट रूल में बीच में माइनस आता है, दोबारा बताता हूं, देखो नीचे वाले फंक्शन का स्केयर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स ऊपर वाले फंक्शन का, माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज d बाई डी एक्स नीचे वाले का, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा कोशेंट रूल। उसके बाद हम बात करते हैं चेन रूल की, देखो चेन रूल भी एक फॉर्मूला होता है, उसको कैसे करते हो मैं आपको बताता हूं, देखो तो एक होता है चेन रूल, ये बहुत कम यूज करेंगे बेटा हम चेन रूल। मान लो y कोई फंक्शन है f ऑफ u का, ठीक है, और u कोई फंक्शन है g ऑफ x का, अगर हमारे को चाहिए dy by dx, तो आप क्या करोगे dy अपॉन में du इंटू du by में dx, तो इसको बोलते हैं बेटा हम चेन रूल, ठीक है। dy by dx, y is the function of u and u is also the function of x, तो जो dy by dx होगा वो क्या, पहले y function का with respect to u and u function का also with respect to x किया जाएगा, तो dy by dx जो होगा वो लिखा जाएगा dy by du into du by dx, देखो du by du से du cancel, तो हमारे पास क्या बन गया dv by dx, तो इसको बोलते हैं बेटा product rule हो गया हमारा, तीन function हो तब कैसे करना है, quotient rule हो गया हमारे पास, chain rule हो गया बेटा, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी बात और बता दूं आपको, देखो डेरिवेटिव के अंदर जब हमारे इनवर्स वाले फंक्शन चलेंगे तो उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं बेटा, वो मैं आपको एक बार यहाँ भी बता दूं, और जब हम एक्सरसाइज आएंगे 7.3 में तो मैं आपको उसमें भी बता दूंगा साथ के साथ। देखो कभी भी हमारे पास अगर रूट के अंदर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर होगा तो हम क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू या तो ए कोस थीटा या ए साइन थीटा,
अगर हमारे पास रूट में कभी भी ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की फॉर्म हो गई तो हम करेंगे पुट x इज इक्वल टू आइदर a tan थीटा और a cot थीटा। ठीक है, अगर हमारे पास कभी भी रूट के अंदर x स्केयर माइनस a स्केयर की फॉर्म आ गई तो हम पुट करेंगे आइदर x इज इक्वल टू क्या कहते हैं a secant थीटा और या फिर a cosecant थीटा। अगर हमारे पास कभी भी रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स आ गया या कभी भी रूट के अंदर a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स आ गया तो हम क्या करेंगे पुट x इज इक्वल टू ऑलवेज a cos थीटा। अगर हमारे पास कभी भी a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स विदाउट रूट के या a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स आ गया तो हम क्या पुट करेंगे पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। ठीक है, तो हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज करनी है बेटा, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें आपके काफी यूजफुल होंगी। ये डेरिवेटिव में भी यूज होंगी, सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया है, सेवन चैप्टर में भी यूज होंगी, नाइन चैप्टर में भी यूज होंगी और इलेवन चैप्टर में भी ये चीजें आपकी यूज होंगी। तो ये था बेटा हमारे पास डिफरेंशिएशन का बेसिक। उसके बाद बेटा हम आगे पढ़ेंगे इसमें डबल डेरिवेटिव, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो आज के लिए बेटा इतना ही। एक्सरसाइज 7.1 बेटा, इसमें हमने डिफरेंशिएट करना है, हमारे को फंक्शन दे रखे हैं। देखो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, लेट वाई इक्वल टू रूट 15x² माइनस एक्स प्लस वन। तो मैंने कहा था अगर रूट के अंदर फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स, इसको मान लो 1। तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का हो गया डी वाई बाय डी एक्स। देखो रूट में फंक्शन था तो मैंने कहा था 1/2 रूट सारा 15x² माइनस एक्स प्लस वन, फिर डी बाई डी एक्स अंदर वाले फंक्शन का 15x² माइनस का एक्स प्लस का वन। तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट 15x² माइनस एक्स प्लस वन। तो 15x² का हो गया 30x, पावर आगे ए पावर कम, 15 टू जा 30, एक पावर कम तो एक्स रह गया और एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो दैट इंप्लाइज, तो ये आ गया मेरे पास डी वाई बाय डी एक्स, तो दैट इंप्लाइज डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 30x माइनस 1 अपॉन में 2 टाइम्स रूट 15x² माइनस में x प्लस में 1, ये हमारा आ गया आंसर बेटा। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना मैंने कहा था अगर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव होगा 1/2, जो फंक्शन होगा वो एज इट इज आ जाएगा डी वाई डी एक्स अंदर वाले फंक्शन का। कहने का मतलब रूट एक्स को बेटा हम इसको ये भी लिख सकते हैं, देखो मैंने आपको बताया था 15x² माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2। देखो जैसे हम पावर उतारेंगे 1/2, एक पावर कम, तो ये एक पावर कम करोगे ऐसे, फिर डी वाई डी एक्स अंदर वाले फंक्शन का। ठीक है, तो ये होगा 1/2, पावर घटाओगे तो बन गया मेरे पास 15x² माइनस एक्स प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 इंटू में 30x माइनस 1। नीचे लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 15x² माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/2 इंटू में 30x माइनस 1। तो ये बन गया 30x माइनस 1 अपॉन में 2 टाइम्स रूट 15x² माइनस एक्स प्लस 1। तो ऐसे करना पड़ेगा। तो बेटा आप सिंपल कैसे करो, कभी भी फंक्शन रूट में आए उसका डेरिवेटिव करना, तो 1/2 रूट वाला फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स अंदर वाले का कर दिया करेंगे हम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं ये तो हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, अब हम करते हैं सेकंड पार्ट पे। देखो देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमारा, लेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस रूट के अंदर एक्स क्यूब माइनस 1, इसको मान लो 1, फिर से यहां डाल दो डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो गया dy वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस फिर से रूट आ गया, तो ये लिख दो 1/2 रूट एक्स क्यूब माइनस 1 डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 1।
तो यहाँ गया डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस वन बाई टू रूट एक्स क्यूब माइनस वन। अब एक्स क्यूब का पावर आगे उतरेगी थ्री एक्स स्क्वायर, वन का डेरिवेटिव जीरो, तो डी वाई वाई डी एक्स इक्वल टू वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन में टू टाइम्स एक्स क्यूब माइनस वन, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये हो गया बेटा मेरा सेकेंड पार्ट। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर थर्ड पे। लेट y इज इक्वल टू रूट ए प्लस रूट ए प्लस एक्स, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट। दोबारा से बेटा देखो डिफरेंशिएशन वन विद रिस्पेक्ट टू x, पहले हम करेंगे इस वाले रूट का डेरिवेटिव। तो जैसे इसका डेरिवेटिव होगा तो वन बाय टू रूट ए प्लस रूट ए प्लस एक्स। अब डी वाई डी एक्स ये रूट खत्म होगा पहले वाला, अंदर क्या रह गया ए प्लस रूट ए प्लस एक्स। तो यहां पर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाय टू रूट ए प्लस रूट ए प्लस एक्स। अब ए कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, प्लस फिर से रूट, रूट का डेरिवेटिव वन बाय टू रूट ए प्लस एक्स। डी वाई डी एक्स अंदर वाले फंक्शन का फिर से ए प्लस एक्स। तो यहां गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाय टू टू जा फोर रूट ए प्लस रूट ए प्लस एक्स इंटू रूट ए प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव ए का जीरो और एक्स का वन, तो वैल्यू आ गई वन बाय फोर रूट ए प्लस रूट ए प्लस एक्स इंटू रूट ए प्लस एक्स, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट। हम चले बेटा देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो इसमें स्टेटमेंट देखिए y इक्वल टू थ्री अपॉन टू एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव का होल स्क्वेयर। ठीक है, अब बेटा देखो लगाने को हम u by v भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा u by v आप तब लगाओ जब ऊपर भी x की टर्म और नीचे भी x की टर्म हो, लेकिन ऊपर हमारे पास फंक्शन जो है वो कॉन्स्टेंट है, नीचे x का फंक्शन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो y इक्वल टू थ्री, ये पावर ऊपर ले आओ बेटा टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव की पावर माइनस टू। देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट फंक्शन है मेरे पास, ये x की टर्म है। तो आप क्या करोगे जिसकी पावर उसको आगे उतार लो, इसको मान लो वन, डिफरेंशिएशन वन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टू आगे आएगा थ्री इंटू माइनस टू, एक पावर कम कर दो टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव की पावर माइनस टू माइनस वन डी बाई डी एक्स अंदर वाले फंक्शन का। ठीक है, अब देखो हम बात करेंगे आगे dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव की पावर माइनस थ्री, इसका डेरिवेटिव देखो टू आगे उतरेगा तो ये पावर बन गई फोर एक्स प्लस जीरो। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस सिक्स इंटू फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर एक्स, नीचे पावर आएगी ये पॉजिटिव हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव की पावर थ्री, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये था मेरा डी वाई बाई डी एक्स। देखो ध्यान से सुन लो बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ लगाने को आप यू बाई वी भी लगा सकते हो, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हो, भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। देखो प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या करो, ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि मैंने कहा था कॉन्स्टेंट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। जो फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट क्या है देखो ध्यान से। लेट y इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होल पावर पाई बाय थ्री
इंटू एक्स प्लस फाइव की पावर माइनस वन बाई टू। देखो बेटा ये मेरा हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन, मतलब यू इंटू वी लगा रहा हूं मैं प्रोडक्ट रूल। देखो डिफरेंशिएशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर फाइव बाई थ्री एच इट इज डी वाई डी एक्स, एक्स प्लस फाइव की पावर माइनस वन बाई टू प्लस एक्स प्लस फाइव की पावर माइनस वन बाई टू डी वाई डी एक्स, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर फाइव बाई थ्री। तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर फाइव बाई थ्री। देखो पावर उतारेंगे माइनस वन बाई टू आगे एक पावर कम, ठीक है, फिर डी वाई डी एक्स अंदर वाले फंक्शन का प्लस एक्स प्लस फाइव की पावर माइनस वन बाई टू, इसका डायरेक्ट फाइव बाई थ्री आगे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर फाइव बाई थ्री माइनस वन डी बाई डी एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है। बट मैंने इसमें लगा दिया प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। देखो प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। बट अब एक बात ध्यान सुनो, आगे से कभी भी सिंपल एक्स की टर्म प्लस में कॉन्स्टेंट होगा तो मैं डायरेक्ट यहां तक लिखूंगा, ये स्टेप नहीं लगाया करूंगा, क्योंकि हमेशा इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज वन आता है, ठीक है। आगे देखो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू ये माइनस का वन बाय टू मैं आगे लिख देता हूं आपको, देखो माइनस वन बाय टू ब्रैकेट टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर फाइव बाई थ्री इंटू एक्स प्लस फाइव की पावर माइनस थ्री बाई टू इंटू वन प्लस फाइव बाई थ्री आगे एक्स प्लस फाइव की पावर माइनस वन बाई टू इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर माइनस सॉरी टू बाई थ्री इंटू फोर एक्स थ्री का जीरो, ठीक है। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू देखो इसको मैं लिख रहा हूं माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर फाइव बाई थ्री अपॉन में टू, ये पावर नेगेटिव है नीचे आएगी तो पॉजिटिव, फाइव फोर जा ट्वेंटी एक्स इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर टू बाई थ्री सारे के पॉन में थ्री टाइम्स एक्स प्लस फाइव की पावर वन बाई टू। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स देखो मेरे पास ये पावर फाइव बाई थ्री ये पावर टू बाई थ्री, तो सारे में से कॉमन आ रही है टू बाई थ्री पावर कॉमन आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको पहले कॉमन ले लेता हूं, देखो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर टू बाई थ्री ब्रैकेट फाइव बाई थ्री में टू बाई थ्री के थ्री बाई थ्री मतलब वन, तो माइनस में रह गए टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन में टू टाइम्स एक्स प्लस फाइव की पावर थ्री बाई टू प्लस ट्वेंटी एक्स अपॉन में थ्री टाइम्स एक्स प्लस फाइव की पावर वन बाई टू। तो यहां तक आ गया, इसके बाद बेटा हम आगे लेते हैं एलसीएम। देखो इसका उसके बाद हमारा एलसीएम आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री की पावर टू बाई थ्री, एलसीएम आ गया मेरे पास सिक्स टाइम्स एक्स प्लस फाइव की पावर थ्री बाई टू। देखो इसके पास थ्री बाई टू है और ये टू है, टू थ्री जा सिक्स, तो माइनस थ्री इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव प्लस फोर्टी एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव। देखो बेटा एक्स प्लस फाइव की पावर थ्री बाई टू को मैं लिख सकता हूं एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव की पावर
1/2, तो 1/2 उसके पास है, कमी x प्लस 5 की, तो इसका मतलब इसके साथ में x प्लस 5 और मल्टीप्लीकेशन में आ गया। तो अब मेरे पास आ गया dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3 की पावर 2/3 6 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 3/2। देखो माइनस का 6x² माइनस का 15 प्लस का 40x² प्लस का 200x, ठीक है। तो dy by dx इक्वल टू 2x² प्लस 3 की पावर 2/3 ब्रैकेट 40x² में से 6x² 34x² प्लस का 200x माइनस का 15, और इस सारे के अपॉन में देखो 6 टाइम्स 6 टाइम्स x प्लस 5 की पावर 3/2, ये हमारा आ गया आंसर dy by dx, ठीक है। तो बेटा यहां पर ध्यान रखना, देखो मैंने क्या कहे, ये 5/3 पावर है, ये 2/3 पावर है, जो पावर छोटी होती है उसको मैंने कॉमन ले लिया, ये पावर 2/3 छोटी तो मैं इसको कॉमन ले लिया, तो 5/3 में 2/3 गया तो 3/3 मतलब 1, तो ये मेरी पावर आएगी एज इट इज अपॉन मी एज इट इज, यहाँ 20x अपॉन मी एज इट इज, उसको मैंने एलसीएम ले लिया और इसको सोल्व कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6th पार्ट पे, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का 6th पार्ट क्या करें, देखो लेट y इक्वल टू x² प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 3x² प्लस 1। अब देखो ये आ गया मेरे पास u बाई v की फॉर्म, ये फंक्शन u हो गया, ये फंक्शन v, तो हम इसमें अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल। तो देखो इसको मान लो 1, डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो नीचे वाले फंक्शन का स्केयर मतलब v का स्केयर, अब v फंक्शन एज इट इज dy डी एक्स यू का, बीच में माइनस u फंक्शन एज इट इज dy डी एक्स v का, ठीक है। अब देखो dy by dx 3x² प्लस 1, इसकी पावर आगे उतारेंगे 2 आगे x² प्लस 2, एक पावर कम, 2 में से 1 गया 1, फिर dy dx x² प्लस 2 माइनस x² प्लस 2 का स्केयर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 6x प्लस में 0 अपॉन में 3x² प्लस 1 का होल स्केयर dy by dx इक्वल टू, देखो 2 को मैंने आगे रख लिया 3x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 इंटू x² का डेरिवेटिव 2x, 2 का डेरिवेटिव 0 माइनस 6x आगे x² प्लस 2 का होल स्केयर अपॉन में 3x² प्लस 1 का होल स्केयर, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, मेरे पास देखो ये x² प्लस 2 का होल स्केयर है, ये x² प्लस 2 है, तो ये मेरे पास कॉमन आ रहा है, साथ ही साथ 2x भी कॉमन आ रहा है, तो dy by dx 2x इंटू x² प्लस 2 कॉमन, 2x भी गया x प्लस 2 भी गया, तो मेरे पास रहेगा 2 इंटू 3x² प्लस 1 माइनस 2x गया तो 3 ब्रैकेट में x² प्लस 2 सारे के अपॉन में 3x² प्लस 1 का होल स्केयर, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम आगे, देखो dy by dx इक्वल टू ये तो एज इट इज 2x इंटू x² प्लस 2 ब्रैकेट 3x² प्लस 1 का होल स्केयर, 2 3 जा 6x²
प्लस में 2 माइनस 3x² माइनस 6 ब्रैकेट क्लोज। तो dy बाय में dx इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो इसकी, ये हो गया 2x³ प्लस 4x ब्रैकेट 3x² प्लस माइनस 4 अपॉन में 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो dy बाय dx इक्वल टू करो मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6x की पावर 5 माइनस 8x³ प्लस 12x³ माइनस 16x अपॉन में 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो dy अपॉन में dx इक्वल टू देखो 6x की पावर 5 माइनस सॉरी प्लस 4x³ माइनस 16x अपॉन में 3x² प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये था बेटा मेरा u बाय v। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे, देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बड़ा क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो सेम है फर्स्ट का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड भी नहीं करा रहा मैं आपको, क्वेश्चन नंबर में सेकंड का आपको थर्ड पार्ट करा रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, लेट y इक्वल टू देखो मेरे को दे रखा है रूट ए स्केयर प्लस x² अपॉन में ए स्केयर माइनस x² इंटू क्यूब रूट ऑफ ए स्केयर माइनस x² अपॉन में ए स्केयर प्लस x² या 3। बेटा देखो इसका मतलब है स्केयर रूट और यहां पर 3 है तो इसका मतलब है क्यूब रूट, 4 होगा तो फोर्थ रूट, 5 होगा तो फिफ्थ रूट। अब हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो इसको मैं लिख रहा हूं ए स्केयर प्लस x² की पावर 1/2, ए स्केयर माइनस x² की पावर 1/2 इंटू इसको मैं लिख लूंगा ए स्केयर माइनस x² की पावर 1/3 और इसको लिख दूंगा ए स्केयर प्लस x² की पावर 1/3। अब एक बात देखो, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस वाली टर्म को एक साइड कर दो, माइनस की टर्म को इकट्ठा कर लो इंटू ये पावर ऊपर आएगी तो माइनस और ये पावर नीचे आएगी तो माइनस। तो y इक्वल देखो बेस सेम पावर एड, ए स्केयर प्लस x² की पावर 1/2 माइनस 1/3 अपॉन में ए स्केयर माइनस x² की पावर 1/2 माइनस 1/3। तो y इक्वल टू मेरे पास बन गया ए स्केयर प्लस देखो 6 एलसीएम आएगा मेरा तो 2 3 जा 6 3 2 जा 6 तो ये बन गया 1/6 ए स्केयर माइनस x², ये भी पावर क्या बन गई 1/6। अब बेटा देखो जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें सिंपल ये वाली चीज दे रखी है उन्होंने, तो इसको मैं लिख लूंगा ए स्केयर प्लस एक्सकेयर की पावर 1/2 अपॉन में ए स्केयर माइनस एक्सकेयर की पावर 1/2 और उसके बाद यू बाई वी लगा देंगे। अब देखो इसमें ये था मेरा सिंप्लीफिकेशन, ध्यान से सुनो बेटा, ये था 1/2 इसको 1/2 दिया, क्यूब रूट है तो इसकी पावर 1/3 1/3। उसके बाद मैंने क्या किया, ऊपर प्लस नीचे माइनस है तो मैंने ऊपर इस वाले टर्म को भी ले आया, ये माइनस हो गई, इसको नीचे लेकर आया तो ये माइनस में हो गई। अब दोनों का बेस सेम पावर एड, ऐसे नीचे बेस सेम पावर एड, जो सोल्व करके मेरे पास आ गया 1/6 एलसीएम 6 आएगा, 2 3 जा 6 3 माइनस 2 1/6 यहां से भी 1/6 आ गया। अब देखो आगे क्या करेंगे, तो मेरे पास बन गया देखो ध्यान से y इक्वल टू ए स्केयर प्लस x² अपॉन में ए स्केयर माइनस x² की होल पावर 1/6। ठीक है, इसको मैंने मान लिया 1। अब हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन गया dy बाई dx, देखो पावर 1/6 तो आगे उतार ली मैंने, यहां रह गया ए स्केयर प्लस x² अपॉन में
ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर 1/6 माइनस 1 dy/dx अंदर वाले फंक्शन का ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अपॉन में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, अब आगे देखो, dy/dx इक्वल टू 1/6 ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर माइनस 5/6 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर माइनस 5/6। इसमें लग गया uy/v ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर 2। देखो uy/v ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर एज इट इज dy/dx ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर बीच में माइनस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर एज इट इज dy/dx ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब देखो ये हो गया dy/dx इक्वल टू 1/6 ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर माइनस 5/6 ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर माइनस 5/6 ब्रैकेट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर 2। देखो ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की ए स्केयर कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x। बेटा ध्यान रखना ए स्केयर का 2a मत कर देना क्योंकि a मेरा कॉन्स्टेंट है, सिर्फ x का डेरिवेटिव होगा तो एक्स स्केयर का डेरिवेटिव 2x माइनस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, ए स्केयर का फिर से 0, इसका फिर से माइनस 2x। ठीक है, अब देखो dy/dx 1/6 ब्रैकेट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर माइनस 5/6। देखो इनका बेस सेम, माइनस 5/6 और प्लस की 2 तो ये बन गई पावर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर माइनस 5/6 माइनस 5/6 प्लस में 2 ब्रैकेट। देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2a² x माइनस 2x³ माइनस माइनस प्लस 2a² x प्लस 2x³। 2x³ से 2x³ मेरा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो dy/dx इक्वल टू, देखो 1/6 ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर माइनस 5/6 अपॉन में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर 6 टू जब 12 में 5 के 7/6। ठीक है, यहां रह गया 4a² x 2 से इसको 2 3 जा 6 2 2 जा 4 तो dy/dx इक्वल टू 2a² x अपॉन में 3 टाइम्स ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर 7/6 और ये माइनस है नीचे आएगी तो पावर हो जाएगी प्लस ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 5/6। तो ये विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ये था मेरा आंसर बेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, सेकंड का फोर्थ। सेकेंड का फोर्थ, लेट वाई इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2ab। अब बेटा एक बात देखो, मैंने कहा था अगर x की टर्म ऊपर नीचे हो तो u/v, अब नीचे x की टर्म नहीं है तो आप ऐसे कर लो, इसको लिख लो रूट एक्स स्केयर माइनस 2ax अपॉन में रूट ए स्केयर माइनस 2ab, इसको मान लो 1। डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx तो ये तो है कांस्टेंट, इसको लिख लो बाहर एज इट इज, हम डेरिवेटिव करेंगे इस वाले फंक्शन, रूट हो तो मैंने कहा था 1/2 रूट के अंदर एक्स स्केयर माइनस 2ax। अब dy/dx अंदर वाले फंक्शन का एक्स स्केयर माइनस 2ax,
तो यहां बन गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वन बाई रूट ए स्केयर माइनस टू ए बी ब्रैकेट वन बाय टू रूट एक्स स्केयर माइनस टू ए एक्स, एक्स स्केयर का हो गया टू एक्स, टू ए एक्स का हो गया टू ए, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव होता है वन। ठीक है, अब देखो डी वाई बाई डी एक्स वन बाय रूट ए स्केयर माइनस टू ए बी, ऊपर से टू कॉमन, एक्स माइनस ए अपॉन में टू टाइम्स रूट एक्स स्केयर माइनस टू ए एक्स, टू से मेरा टू कैंसिल, तो यहां क्या बन गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन रूट के अंदर ए स्केयर माइनस टू ए बी इंटू रूट के अंदर एक्स स्केयर माइनस टू ए एक्स, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था बेटा मेरा सेकंड का फोर्थ पार्ट। ठीक है, अब मैं करता हूं आपको सेकंड का फिफ्थ पार्ट, आज का लास्ट पार्ट रहेगा। ठीक है, सेकंड का फिफ्थ पार्ट देखो, लेट वाई इक्वल टू रूट फोर प्लस फोर प्लस रूट फोर प्लस एक्स, एक्स के सॉरी। ठीक है, इसको मान लो वन, डिफरेंशिएशन वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे देखो ध्यान से, y का डेरिवेटिव होगा dy वाई बाई डी एक्स, देखो फर्स्ट रूट को हटाएंगे तो 1 बाय टू रूट फोर प्लस रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, एक रूट खत्म 4 प्लस रूट फोर प्लस रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर, इस पे लगा लो बेटा इंपोर्टेंट। ठीक है, अब देखो dy वाई बाई डी एक्स 1 बाय टू रूट फोर प्लस रूट फोर प्लस रूट फोर प्लस एक्स के ब्रैकेट 4 का डेरिवेटिव 0, अब इसका रूट हटाएंगे तो 1 बाय टू रूट फोर प्लस रूट फोर प्लस एक्स के डी बाई डी एक्स, एक रूट फिर से खत्म, ये रह गया 4 प्लस रूट फोर प्लस एक्स के, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 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 जा 4 1 बाय 4 रूट फोर रूट फोर रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय रूट फोर प्लस रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 4 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1 बाय टू रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर डी बाय डी एक्स 4 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा 1 बाय 1 एक रूट को हटाते जाओ। ठीक है, अब देखो 1 बाय डी वाई बाई डी एक्स 1 बाय फोर रूट फोर रूट फोर रूट फोर प्लस एक्स के इंटू 1 बाय रूट फोर प्लस रूट फोर प्लस एक्स के, अब इंटू 1 बाय टू रूट फोर प्लस एक्स स्क्वायर, अब 4 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 2 से मेरा 2 कैंसिल और विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये था सेकंड का फिफ्थ पार्ट बेटा। ठीक है, इसके बाद हम कल करेंगे बेटा सिक्स्थ पार्ट, आपको खुद करना है, डायरेक्ट u बाई v का फॉर्मूला अप्लाई करना है।